तो JBI5 वाले ने तो हक दिया है। तो वीडियो के स्टार्ट में भाई मैंने ये कहना है कि जो भी नए सब्सक्राइबर्स आए अभी थोड़े दिन में, क्योंकि तुषार जब आया था तो उसने पुश किया, उसने मतलब प्रमोट किया, तो उसके बाद काफ़ी सब्सक्राइबर्स आए हैं भाई के चैनल से। तो उनका सबका स्वागत है और आपको अच्छे से एंटरटेन किया जाएगा, जितने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो नए हैं। तो टिके रहें, आप बने रहें, आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी डेली वाला काम चालू होने वाला है जहाँ तक मेरे को लगता है। सत श्री अकाल जी सारे, की हाल चाल। तो भैया सुनो, अभी अपन लोग सोच रहे हैं डेली व्लॉगिंग का, ठीक है? तो डेली व्लॉगिंग काइंड ऑफ टफ जॉब, बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोज़ आप जो भी शूट करते हो, लाइक जो भी आप हगना मूतना एवरीथिंग, खाना पीना, वो आपको दिखाना पड़ता है, तो उससे लोग बोर भी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डेली व्लॉगिंग करते हो तो आपको दिखाना पड़ता है। तो अभी ट्राई करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने सोचा है, देखो इधर, हाँ देखो, शुरू से पता है आप लोगों को, अगर वीडियो शुरू से देखते हो तो गंदगी रहती है अपने पास, क्योंकि जनता ही बहुत रहती है हम लोग। तो मैं सोच रहा हूँ, तो भाई अपन तो उधर का मामला नहीं दिखाना कुछ भी, मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारी वो वाली बेंच, क्या कहते हो, रैक कहते हो, जो भी है ना, उसको रख दिया जाए इधर, इधर रख दी जाए एक कुर्सी ये वाली, और ये वाली लाइट है एक, ये लाइट है, और एक दो अलग से लाइटें ला के यहाँ पे रख दी जाए, ताकि वो अच्छे से उधर वाला व्यू दिखे। ताकि अगर जैसे रात को अपन लोग शूट, अभी जैसे अगर आप डेली व्लॉगिंग करते हो तो बहुत सारी चीज़ें आप वैसे शूट कर लेते हो, तो उसमें बाद में आपको बताना पड़ता है क्या किया तुमने। तो वो रात को मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ बैठ के कर लिया करेंगे। जो बात है डॉक्टर साहब की, डॉक्टर साहब सोते हैं इधर, उससे डॉक्टर साहब सोते हैं घोड़े वाली नींद, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तो अभी जाना है दिहाड़ी पे। तो भैया एक पंगा हो गया, जो ना इसके इधर से फ़ोन में जाती है ना केबल, ठीक है, वो अपनी खो गई उस दिन हमने उड़ाया था यूनी में, तो इसमें मिल नहीं रही है ना ऊपर ना नीचे कहीं, ना बैग में अपने, ठीक है, काम हो गया खराब। ओ बिल्ली, अब दिख रही है, जूम इन हो जाता है। हाँ जी भैया, तो अभी दिहाड़ी पे जाने का टाइम है, ठीक है। मैंने सोचा था कि ड्रोन शॉट लेंगे ऊपर से, मतलब वो दिखाना था, एक तरीका था, मतलब होता है तो, लेकिन चक्कर ये पड़ गया, वो मैंने, मेरे को लग रहा है वो केवल मैं वहाँ छोड़ आया हूँ अपनी यूनी में, शोर बहुत है पीछे, अभी चलते हैं, गर्मी भी बहुत है, और अपन मतलब अभी तुम्हारा भाई ट्रेडी है, समझाते हैं। तो ट्रेडी जॉब का डिस्क्रिप्शन नहीं, अपन जाओ यार, अब का नहीं बता सकते अपन लोग, क्योंकि थोड़ी बहुत प्राइवेसी भी होनी चाहिए ना। तो मम्मी क्या चला गया, तो चक्कर ये है कि कंस्ट्रक्शन कह सकते हो, ट्रेड वर्क में आपको पे ज़्यादा होती है, और वैसे भी हो गई छुट, मतलब वो क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो मतलब फंसने ज़्यादा लग गया, क्लासेस चालू हो गई तो 20 घंटे चलेगा अपना, तो ज़्यादा कर नहीं सकते हो, तो 20 घंटे में अगर ज़्यादा आपको पे मिल रही तो आप कर लो, और स्किल भी मिल रही है तो अच्छी बात है, रेस्टोरेंट में काम ऑलरेडी कर चुके हैं तो काम नहीं दिखा पाएंगे, बाकी फिर धीरे धीरे बताते रहेंगे क्या चल रहा है। हो गया 11 बजे, अपना काम चालू होना है। ये जो कोकोनट वाटर वगैरह होता है ना, ये कुछ भी होता है ऐसा कि मतलब जिससे कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेटेड होती है कि हाइड्रेटेड होती है, हाइड्रेट जो भी होती है, मतलब सूखा नहीं पड़ना चाहिए शरीर में। तो अभी जैसे हम लोग लास्ट वीक क्रिकेट खेलने गए थे, वहाँ पर एक भाई ने पानी नहीं पिया था, ठीक है, धूप होती है और इधर धूप गंदी वाली होती है, तो कई लोगों को दिक्कत हो जाती है, भाई को उल्टी आने लग गई थी, भाई की फट गई थी। तो जब भी आप कोई भी काम पे जाओ भैया, पानी की पेटी साथ में और ऐसी चीज़ें साथ में रख लेनी चाहिए। तो अभी लंच ब्रेक है, ठीक है, तो आधे घंटे का लंच ब्रेक होता है, उसमें ये कि आप जो मर्जी खाओ, खाना है खाओ, नहीं खाना है रेस्ट करो, और आपको खाना अपने घर से लेके आना पड़ता है। अगर आप देसी रेस्टोरेंट, देसी कंस्ट्रक्शन, देसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ जॉब करते हो तो आपको नहीं लाना पड़ता है, वो आपको खिला देते हैं। जिससे पहले मैं वो करता था ना एसी की, वो फिटिंग वाला काम कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें भाई मेरे को खाना खिला देते थे, लेकिन उसमें ये था कि थोड़ी पे कम थी। अगर आप किसी गोरे के साथ काम करते हो, उनको पे आपको फुल देते लेकिन आपको खाना नहीं खिलाते, ये चक्कर होता है। तो अपन लोग अपने घर से ले आते हैं, फ़ायदा होता है। और ये 3 मतलब 3.5 घंटे होती है जॉब, 3 से 3.5 घंटे, तो ये, और मैं करता भी 3 दिन हूँ, ये मेरे 10 साढ़े 11 मतलब 10.5 11 घंटे बनते हैं,
और बाकी जो वीकेंड्स पे अपन लोग जॉब कर लेंगे रेस्टोरेंट में तो वो उसमें पे अपने को ज़्यादा मिलेगी। ये भी होता है, अपने को 20 घंटे करने ना, अभी सब स्टूडेंट 20 घंटे पे आ गए। अरे इसमें एक चीज़ और बता दो, अभी पीछे ना आवाज़ थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर नहीं इसका ना अगर नीचे इसके वो लगाते हैं, अरे इसका ट्राईपॉड, फिर आवाज़ सही आती है। अगर इसकी जो टांगे इनको कवर कर दो फिर आवाज़ नहीं आती, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ जी भैया, तो अपन घर आ गए, दिहाड़ी ख़त्म, दिन ख़त्म, ठीक है, मतलब दिन नहीं ख़त्म, दिन अभी बाकी है। तो अपने ना चक्कर में बताता हूँ, जो अपना ये वाली केबल होती ना, ये मेरे पास अभी ये टाइप ना टाइप सी नहीं, लाइटनिंग वाली है, ठीक है, नॉर्मल वाली। तो मेरे को देखना है अगर वो दूसरी वाली मिल जाती है, अगर इसके पोर्ट आगे जो लाइटनिंग वाला होता है, अभी चलते हैं JB Hi-Fi, तो अगर मिल जाता तो वहीं से ले लेना है, क्योंकि इसकी मैंने केबल देखी वो मिल नहीं रही, और जो है वो $33 की, वो बहुत महंगी है। अगर कुछ सस्ता मिला, थोड़ा भी $4-6 ही बचते हो तो बचा लेंगे। तो भैया अपन इधर आ गए, वो सामने JB Hi-Fi, इधर बिग ऑफिस वर्क्स। तो थर्सडे को ना मतलब कोई भी स्टोर है कुछ भी है, वो ज़्यादा देर तक खुलता है ऑस्ट्रेलिया में, अराउंड 7-8 बजे तक खुलते हैं। I went to you first. तो JB Hi-Fi वाले ने तो हक दिया है, कह रहा हमारे पास नहीं है, तो एक जे कार वाले होते हैं तो कह रहा उनसे कन्फर्म कर ले, और इनके पास जो है $28 का है। तो जो ऑफिस वर्क्स में है तो वो $28 का है, और जे कार के पास वो कह रहा सस्ता भी हो सकता है, तो जे कार वालों को कॉल कर लेते हैं। तो ये वाला इनके पास भी नहीं है स्टॉक में, तो ये कह रहा है कि हम तेरे को मंगा के दे, क्या खुल गया भाई, तो कह रहे भी तेरे को मंगा के दे सकते हैं। तो मैंने कहा भैया मैं भी ऑर्डर कर लूँगा, देखते हैं अभी क्या करना है। हाँ जी भैया, तो अब बात कर लेते हैं वाइट कार्ड के बारे में, है ना, जो ज़रूरी बात है। तो वाइट कार्ड का सिस्टम मैं बता दूँ, पहली बात तो न्यू साउथ वेल्स जो स्टेट है ना, इसमें स्टूडेंट्स का बनता नहीं है, ठीक है। मेलबर्न यानी विक्टोरिया स्टेट और क्वींसलैंड स्टेट में बन जाता है, बाकी साउथ ऑस्ट्रेलिया में शायद बन जाता होगा, वहाँ का मेरे को नहीं पता, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स जो आते हैं वो विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी में स्टेट में आते हैं, ठीक है। मतलब जो रेशियो के हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स में नहीं ऐसे बनता, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था पहली, अगर वीडियो किसी ने चेक करी हो तो मैंने एक वेबसाइट थी उसके थ्रू गया था, मैं ऑनलाइन कर रहा था, तो वहाँ पे मेंशन था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको वाइट कार्ड नहीं देंगे, ठीक है। मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, लेकिन मैंने पैसे ऑलरेडी पे कर दिए थे, क्योंकि वो ऑप्शन बाद में आता था जब आपका वीज़ा चेक करते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा पता होता है कि स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं कुछ भी है, मतलब ओवरसीज स्टूडेंट नहीं अप्लाई कर सकता है। लेकिन इधर एक मैन एट वर्क करके मतलब होती है ऑर्गेनाइजेशन है एक, यानी कि इंस्टीट्यूट कह लो आप, जो भी रोड वर्क वगैरह होता है तो वो मैन एट वर्क के अंडर ही आता है, वो कुछ इनकी संस्था होएगी, तो वो अपने को नहीं पता है। तो अगर आप उनके पास जाते हो तो वो सेम प्राइस लेते हैं, $130 वो पूरे दिन की क्लास होती है, तो आपको लंच भी देते हैं, वहाँ जाके आप अपना बनवा सकते हैं वाइट कार्ड। तो वाइट कार्ड जिनको नहीं पता, वाइट कार्ड होता है कंस्ट्रक्शन जॉब अगर आपने करनी है कोई भी, अगर आपने ट्रेड जॉब करनी है तो आपको वाइट कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो वाइट कार्ड के बिना आप एंट्री नहीं ले सकते हो, वो लाइक एक हिसाब का आईडी कार्ड ही है, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ मतलब एक प्रॉपर एग्ज़ाम होता है, वो आराम से क्लियर होता है, इतनी बड़ी बात नहीं है। जस्ट आपको सेफ्टी के रूल्स वगैरह जो होते हैं, कैसे आपने फॉलो करनी चीज़ें, वो सब कुछ होता है उसमें, काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो अभी काफ़ी लोग ये भी मेरे कमेंट आते हैं कि भाई इंडिया से अगर अप्लाई कर दें, तो भाई इंडिया से आपका नहीं बनेगा पहली बात तो, क्योंकि उनको एक प्रॉपर एड्रेस चाहिए होता है और एक फ़ोन नंबर प्रॉपर मतलब देना होता है, और आपकी फ़ोटोज़ वगैरह भी जाती है, और आपकी वीडियो तक आपको बना के भेजनी पड़ती है। जैसे अगर जिसने मेरी अगर किसी ने मेरी वीडियो देखी है साइकिल वाली, जिस दिन मैंने साइकिल ली थी, तो अपने हरमन भाई बना रहे थे, हरमन भाई मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं है, तो प्रॉपर उनके पास डिपेंडेंट वीज़ा है, तो वो उन्होंने अप्लाई किया था, तो जस्ट उनको एक वीडियो बना के भेजनी थी जो सेफ्टी टूल्स होते हैं उनको पहन के, जैसे वो टोपी थी, ग्लासेस थे और काफ़ी कुछ था, तो बस उनका अप्रूव हो गया। तो जो भी स्टूडेंट अगर सोच रहा है कि भाई इंडिया से अगर आप अप्लाई कर लोगे तो बहुत मुश्किल है, अगर आप सिडनी में रहते हो या मेलबर्न में रह रहे हो तो मैं नेटवर्क या काफ़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आपको वाइट कार्ड प्रोवाइड करवा देती हैं, तो वो आप देख लें। और एक चीज़ है कि अभी काफ़ी लड़के शायर बन रहे हैं, उसमें अपनी जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें, तो कुछ अच्छे भी होते हैं, लाइक ठीक है वो मजाक के हिसाब से करते हैं तो अच्छी बात है, तो जो मेरे को पर्सनली अच्छे लगते हैं मैं पोस्ट कर देता, चाहे वो उनकी वर्डिंग थोड़ी गलत होती है, बाकी सब ठीक है, काम 25 है। तो भाई मैंने वो जो मैं ऑर्डर कर रहा था, लाइक एक सेकंड फिर से लिखाना पड़ेगा, शायद भूल गए होंगे, मैं तो भूल गया हूँ क्योंकि दूसरे दिन शूट कर रहा हूँ, तो ये वाला तो फिर मैंने ईबे से ऑर्डर कर दिया, $12 का पड़ रहा है, लेकिन डिलीवरी बहुत दिन बाद है, तो शायद उतने दिन ड्रोन शॉट्स नहीं आएंगे, लेकिन अभी कल यानी सैटरडे को मैं और चैतन्य भाई फ्री होंगे, तो भाई के साथ मैं चला जाऊँगा
अगर इसका कोई पोर्ट वगैरह मिलता है कहीं से, अगर कोई सस्ता टिकाऊ अच्छा से मिल जाता है तो ले लें, क्योंकि वो दिखा रहा है अक्टूबर के बाद दिसंबर तक की डिलीवरी, तो इतना वेट नहीं कर सकते ना। तो डेली व्लॉगिंग के चक्कर में व्लॉग्स थोड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन मतलब मैं ये नहीं चाहता कि खाली मैं बोर ही करता रहूँ चीज़ें बोल बोल के, तो कुछ दिखाना भी होता है, तो जो जो अच्छा दिखेगा मेरे को वो मैं दिखाता रहूँगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें और वीडियो को लाइक करके जाना भाई, बाय।